एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आज का जो वीडियो है वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन बातों को जानकर ही आप लोग अपनी सफलता, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कैसे इंसान कामयाब बनता है। कामयाब इंसानों की वो कौन सी आदतें होती हैं जो हम में नहीं हैं या हम अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। ऐसा यदि आप सोचते हैं तो उसके लिए तो कुछ बात जो है वो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आदतों से ही बहुत अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। तो आज जानेंगे उनके बारे में। देखिए, जहाँ हम मोदी जी की बात कर लें, चाहे हम अब्दुल कलाम सर की बात कर लें, तो ये लोग सक्सेस कैसे हुए, इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर कैसे हुए? आपको भी पता है कि अब्दुल कलाम जो थे वो बहुत गरीब परिवार से थे, ठीक है, फिर भी उनमें ऐसी कुछ आदतें थी जिसके कारण वो भी कहां पर पहुंचे ये आप भी जानते हो, ठीक है। मोदी जी हैं, वो भी गरीबी से निकल कर ही आए। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ कि केवल और केवल गरीब व्यक्ति ही ऊँचाई पर पहुँच सकता है। यहाँ पर मेरा बोलने का उद्देश्य केवल ये है कि इन लोगों की ऐसी आदतें होती हैं, ऐसी कुछ अच्छी आदतें होती हैं जिनको फॉलो करके आप भी उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। यदि आप निराश हैं और आप ये सोचते हैं कि अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली, और वो क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैं भी इतने ही घंटे पढ़ाई करता हूँ जितना सामने वाला करता था, आज वह जॉब पर है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास पैसा है, घर है उसका इतना अच्छा, मेरे पास अभी तक क्यों नहीं हुआ है, और मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम जो है वो ही क्यों नहीं क्रैक कर पाया हूँ, तो उसकी वजह क्या रही है। आप भी उसके साथ ही उतनी ही पढ़ाई करते थे लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन पहले हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ। तो कुछ आदतें भी होती हैं जो कि हमारे ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी तो किस्मत में ही नहीं है, इस वजह से हमारी तो नौकरी नहीं लगी, क्योंकि वो तो हमारे साथ हमारा फ्रेंड पढ़ता था और उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो उसकी नौकरी लग गई। देखिए, वजह जो है वो मेरे ख्याल से किस्मत नहीं होती है, मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को। मेरा केवल ये मानना है कि इंसान जो है जितना कर्म करता है, उसकी जितनी अच्छी आदतें होती हैं, उसके द्वारा ही वह ऊंचाई पर पहुँचता है। तो सबसे पहले एक इंसान की आदतें ही तय करती हैं कि वह अपनी ज़िंदगी में कितना सफल होगा, ठीक है। तो जो आदत होती है, काम होता है, जो उसकी काम करने का तरीका होता है, वही उसको ऊंचाई पर पहुंचाता है। ऐसा मैंने भी फील किया है, क्योंकि देखिए, मैं भी बहुत तैयारी करती थी और उसके बाद भी मुझे सफलता एक दो सालों में नहीं मिली, और वो क्यों नहीं मिली ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने एक बार बैठ के और YouTube चैनल पर ही किसी का पता नहीं मुझे किसी का वीडियो देखा, और उसमें मैंने ये चीज़ जो है वो नोट की कि वहाँ पर अब्दुल कलाम की और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके बारे में, उनकी मैं बायोग्राफी जो है वो देख रही थी, उसको पढ़ रही थी, तो उससे मुझे ये पता लगी कि हाँ, इन लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरीके की है कि पूरे जो टाइम का ये लोग सदुपयोग करते हैं, तो क्यों ना इसको बहुत डीप में जाकर पढ़ा जाए। तो इस तरीके से मैंने उनको भी फॉलो किया, और उसके बाद ही मुझे भी महसूस हुआ कि कितना टाइम जो है वह हम इधर उधर की बातों में बर्बाद कर देते हैं, जबकि हमारे फोकस पर हमें बिल्कुल नियंत्रण रखना चाहिए, हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं हमारा सारा ध्यान उस पर होना चाहिए। तो देखिए, हर व्यक्ति जो है वो सफल होना चाहता है, पर हर किसी को सफलता नहीं मिलती है, आप भी जानते हो। हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और ठीक ठाक मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम में लेकर आ जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैं इतने अच्छे नंबर ले आया, अगर पूरा साल पढ़ाई करता तो मैं तो टॉप ही कर लेता। तो इन लोग में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी सफल हो पाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कारण होता है आदतें। किसी इंसान की गलत आदतें उसको नाकामयाब के अंधेरे में डुबो देती हैं, उसी जगह अच्छी आदतें जो हैं वह इंसान को कामयाबी की ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको भी बताना चाहूँगी, आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप लोग भी अगर फॉलो करें इन चीज़ों को तो आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और कुछ नहीं है, छोटी छोटी वो बातें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और जिनके बारे में हम जानते भी हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आप काम कोई भी करें, चाहे जितना भी छोटा हो,
उसी पूरी प्लानिंग के साथ करें। ज़्यादातर सफल व्यक्तियों की ये सबसे खास आदत होती है कि वो छोटे से छोटा काम भी प्लानिंग के साथ करते हैं। बहुत से सफल व्यक्तियों में सबसे खास बात ये होती है कि वह रात को सोने से पहले अगले पूरे दिन की योजना जो है वो पहले ही बना लेते हैं, फिर अगले दिन उस पर क्या करते हैं, सख्ती से अमल करते हैं। अगर आप कोई भी काम पूरी प्लानिंग के साथ करते हो तो आपके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके अंदर भी यही आदत है तो आप उन लोगों से हमेशा आगे रहोगे जो बिना किसी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। तो देखिए, ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। और दूसरी बात यह है कि हर काम में अपना क्या दें, 100% दें। अगर आपकी ये आदत है तो बहुत अच्छी बात है, आप हर काम में अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं बिना यह सोचे कि काम छोटा है या बड़ा। तो यह आदत जो है वो आपको कहाँ ले जाएगी, कामयाबी के शिखर पर ले जाएगी। ज़्यादातर कामयाब व्यक्तियों में सबसे खास बात ये देखी गई है कि वो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, वो हर काम में क्या करते हैं, 100% देते हैं। उनके हर काम में क्या दिखती है, ये दिखती है कि हाँ, हम जो है इस काम को करेंगे, कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। अगर आप भी ये आदत है आपके अंदर है तो ये आदत आपको एक दिन कामयाबी की ऊंचाइयों तक जरूर ले जाएगी। तो देखिए, ये महान व्यक्ति जो है, अब्दुल कलाम जी हैं, मोदी जी हैं, तो इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आपको भी इनके बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ नया जो है वो करने की इनकी आदत होती है। ठीक है, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जैसे फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो भी कहते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ नया करो, कुछ ना कुछ नया सीखने की चुनौती लो। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंसान में ऐसी आदतें होती हैं वो भी सक्सेस होता है एक दिन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि किसी भी हाल में मजबूत इच्छा शक्ति को रखना, यदि आप किसी काम को करने की दृढ़ संकल्प लेते हैं, इच्छा शक्ति मजबूत कर लेते हैं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये तो आपका केवल थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम ही है और हम हर काम को संभव बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते हैं वैसे वैसे इंसान की क्या होती है, इच्छा शक्ति कमज़ोर होने लगती है। किसी भी तरह के हालात में आपको मजबूत इच्छा शक्ति रखने की आदत, तो आपको ये आदत बहुत आगे ले जाएगी। ठीक है, और सबसे अहम बात जो लास्ट में मैं आप लोगों को कहूँगी, टाइम। जो बच्चा वक्त का पाबंद है, कहते हैं कि अगर इंसान जो है वो वक्त की अहमियत समझता है तो वक्त इंसान की अहमियत समझेगा। पैसा अगर एक बार ख़त्म भी हो जाए, इंसान दोबारा कमा सकता है, पर एक बार गया वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा। ज़्यादातर जो भी कामयाब व्यक्ति हैं वो, उनकी एक खास बात मैंने देखी है कि वो एक तो क्या करते हैं, टाइम पर सोते हैं और टाइम पर उठते हैं। ठीक है, वक्त के इतने पाबंद होते हैं। इसलिए अगर आप अपने वक्त के पाबंद हैं और अपने वक्त की अहमियत समझते हैं तो आपकी यह अच्छी आदत आपको एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस चीज़ का आप लोगों को अभी नहीं पता है, लेकिन आप बाद में यही चीज़ बोलोगे और आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी कि हाँ, हमें मैम ने कुछ कही थी। माना कि मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी अच्छा मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप भी सीख गए और उसके बाद हर एक बच्चा जो है वो दो लोगों को ये अच्छी बातें जो है वो बताएगा। तो देखिए, ऐसे धीरे धीरे करके जो है वो चीज़ें जो है वो फैलेंगी। अच्छी आदतें जितनी ज़्यादा फैलाएंगे उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, और जितना अच्छा माइंड होगा उतने अच्छे तरीके से हम लोग कार्य कर पाएंगे और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। तो ये देखिए कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने भी जानी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि एक बार आप टाइम निकाल कर थोड़ा सा मोदी जी और अब्दुल कलाम जी, इन दोनों की जो बायोग्राफी है उसको ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में एहसास हो सके कि हाँ, सफलता जो है वह गरीबी देखकर नहीं आती है, ना ही अमीरी देखकर आती है। सफलता जो है वह अच्छी आदतों से आती है। यदि आप बेस्ट से बेस्ट करोगे तो आपके साथ बेस्ट ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरीके से आप लोग मेहनत करेंगे, कुछ आदतें जो आपके अंदर नहीं हैं उनको आप डालेंगे अच्छी आदतें, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इन आदतों को फॉलो करके सफलता को पाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।